क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये हॉर्स क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ओके, शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट दिया हुआ है बाय द मीन ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप है यहाँ पे, और हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे ये सीधा है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से घुमा हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये सीधा है। सो अब यहाँ पे क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कौन सा एरिया होगा जहाँ पे हॉर्स ग्रेज कर पाएगा, वो ये वाला एरिया होगा जो मैं यहाँ पे लाइन्स बना रहा हूँ। सो आप मुझे बताएं कि ये एरिया, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं, और थीटा कितना है, क्योंकि ये स्क्वायर था तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है 90 डिग्री, सो 90 अपॉन 360 इनटू पाई, पाई की वैल्यू उन्होंने अगर कुछ सजेस्ट किया है तो हम लोग वो यूज कर लेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 22 अपॉन 7। और आर कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल, 9 से ये 4 टाइम कटेगा और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, 8, 2 से कर लो 2 पहले, और यहाँ पे 1.57 और नीचे 2 है। ठीक है, सो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1.57 इनटू 25 डिवाइडेड बाई 2 आता है, और ये बड़े आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये पार्ट हम लोग को समझ में आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था इस सब क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट बोलता है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखो अगर ये 10 हो जाएगा तो क्या होगा, यहां तक आ जाएगा, और अब ये कितना दूर ग्रेज कर पाएगा, ये एरिया के आसपास ग्रेज कर पाएगा, तो कितना बोलता है कि बढ़ जाएगा, ये पार्ट बढ़ जाएगा। मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए था। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि हमें कौन सा पार्ट चाहिए। हमें यहाँ पे ये पार्ट का एरिया चाहिए, ये पार्ट। ओके, अगर वहां पे आपको समझ में ना आए तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये कैसा बोल रहा है। कि हमें बोल रहा है कि अगर उसका लेंथ बढ़ जाए तो अब वो इतना दूर ग्रेज कर पाएगा, तो हमें बोलता है कि कितना इंक्रीज कितना हुआ, तो ये पार्ट आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हमें एरिया चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ इंक्रीज्ड पार्ट, या आप कुछ भी लिख सकते हो, शेडेड पोर्शन और समथिंग। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 हम, अच्छा ठीक है, पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, हमने दोनों बड़े सेक्टर में से छोटा सा सेक्टर माइनस कर लिया, इस बड़े से सेक्टर में से छोटा सा सेक्टर हमने क्या किया, माइनस किया। और थीटा यहाँ पे सेम है इसलिए मैंने सेम नाम लिखा है, लेकिन रेडियस यहाँ पे बढ़ गया है, अलग अलग होंगे, तो हमने R1 और R2 यहाँ पे लिया है। थीटा कितनी है, 90 है, तो 90 अपॉन 360 हमने कॉमन ले लिया, पाई भी आप कॉमन ले सकते हो, पाई भी हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 कितना है, मतलब बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा, वो है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि होगा 15 इंटू 5, और यहाँ पे आता है 90 और ये 1 अपॉन 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना है 1/4 इंटू पाई की वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.14। ठीक है, सो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि 15 इंटू 5 इंटू दिस और डिवाइडेड बाई 4, तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे रेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है कि अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। तो हमें एक चीज दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, और क्या दिया हुआ है कि द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे सेक्टर्स कितने हैं, 10 हैं। अब क्या बोलता है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो लिख देते हैं कि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो एक तो है कि पूरा सर्कल बनाना पड़ा होगा,
जो कि है 2πr, और प्लस 5 क्या है आपके पास, डायमीटर्स हैं, तो 5d लिख देता हूं मैं यहां पे। तो अगर यहां से आप सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, 2 × 22/7, रेडियस है 35/2 और डायमीटर है 35, सो 5 × 35। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके, 7 से ये कट होके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 कैंसिल, सो 22 × 5 होता है 110, प्लस यहाँ पे 35 × 5 है तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 और 17 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 285 mm फर्स्ट पार्ट ओवर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, तो देखो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ इच सेक्टर ऑफ द ब्रिज। तो पूरा सर्कल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 10 पार्ट में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि, और एक एंगल कितना है, मतलब ये एक एंगल कितना होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये एंगल x होगा, सारे एंगल x होंगे, सो tan x इज इक्वल टू कितना, टोटल एंगल दैट इज 360। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360/10, 0 कैंसिल, मतलब 36 डिग्री हर सेक्टर का एंगल है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है θ/360 × πr². थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, थीटा है 36 डिग्री, यहाँ है 360 और यहाँ पे हो गया 22/7 और यहाँ पे हो गया 35/2 एंड अगेन 35/2। सो ये हो जाएगा यहाँ से 10 टाइम, फिर 7 से 5 जा, 5 से ये 2 हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 11, सो 11 × 35, 11 × 55, 5 बचा 5, 33 और 5 होता है 38 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 4, जो कि आंसर हो जाएगा 7 × 9 = 36 = 2 और 6 × 4 = 24 and 25 mm². तो ये इसका एरिया हो गया। सो दोनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि द अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है 8 रिब्स दिए हुए हैं, ये ऐसे इस तरीके की काउंटिंग कितनी है, 8 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 एंड दिस वन इज 5 और 3 पीछे होंगे जो कि 8 होगा जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला इज टू बी फ्लैट सरफेस ऑफ रेडियस 45 cm, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अगर हमने इसको फ्लैट सरफेस लिया हुआ है तो ये डायग्राम हमें इस तरीके का दिखेगा जो हमारा सेकेंड डायग्राम है यहाँ पे, और चूंकि हमने देखा है यहाँ पे कि हर एक एंगल इक्वल है तो यहाँ पे 8x होगा और 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख के देख सकते हो कि 8x इज इक्वल टू कितना, तो टोटल एंगल दैट इज 360, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 360/8। सो यहाँ पे आप डिवाइड हमने कर लिया, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिलता है कि सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई 360 × πr², तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो हमने यहाँ पे कार का फ्रंट पार्ट यहाँ पे बना लिया है और हमने बोला है कि दो वाइपर हैं, दोनों इस तरफ से लगे हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है ये एरिया क्लीन होगा यहाँ पे और यहाँ पे ये एरिया क्लीन होगा, ठीक है। जिसके ब्लेड की लेंथ कितनी है, 25 cm, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है कि ये है 25 cm और उसका एंगल जो है वो है 115 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया कि हमने इस तरीके का विंडो यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री वाला नहीं है, ये कितना है 115 डिग्री का है। तो हमें क्या बोलता है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट इच स्वाइप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया क्लीन होगा हर एक के थ्रू कितना, तो हम इसकी वाले बात कर लेते हैं, मतलब इसका एरिया हमें चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, थीटा है 115/360 × π, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 3.14 ले लो और 25 × 25, सो कितना हो जाएगा, 5 से 2 जा, 5 3 एंड 5 से हो जाएगा 7 × 2। सो आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आता है आपका 625 × 23 × 3.14 /
72। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा, बट आपका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा मिल गया। ये कौन सा एरिया है? ये है हर एक पार्ट का एरिया, मतलब ये